तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको एक खुशखबरी की बात बताओ कि हमारा 1K सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो गया। हमारे 1K यूट्यूब फैमिली जो है कंप्लीट हो गई हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है और हमारा कम्युनिटी टैब जो है मिल गया है। उसमें मैंने बहुत सारे सवाल भी आपसे पूछ रखे हैं, जाकर आप उस पर जरूर से मुझे जवाब दीजिएगा, वोटिंग करिएगा, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बनाया सोल्डरिंग आयरन, जो आपको कमेंट दो दिख रहे हैं इधर। एक डीसी सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए बोला है और एक भाई ने बोला है इधर जो है सोल्डरिंग आयरन बना कर दिखाइए। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैंने सोल्डरिंग आयरन की वीडियो लाई है जो एसिन पर रन करता है, बट डीसी वाली सोल्डरिंग आयरन कुछ दिनों में ही जल्दी से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस सोल्डरिंग आयरन को बनाना सीख लेते हैं। चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक पीवीसी पाइप, जो कि मैंने अपने हाथ के हिसाब से इसका साइज एंड लेंथ लिया है, जिससे कि मैं अपने हाथों पे इसे अच्छे से पकड़ सकूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक 25 वाट का एलिमेंट यूज़ किया है, जो कि मार्केट में मेरे को 20 रुपये का मिल गया है। यहाँ पर एक मैंने स्लैब टिप यूज़ की है, मतलब बिट सोल्डरिंग की, जो कि मेरे को 10 रुपये का मिल गया है। यहाँ पर मैंने एक प्लग यूज़ किया है जिसका कलर येलो है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर यूज़ किया वायर, वायर का साइज़ आप अपने हिसाब से कस्टम ले सकते हैं। चलिए इसकी मेकिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, कॉइल है, उसके ऊपर डायोड लगा हुआ रहता है एक पार्ट में, वो हम लोगों को जो है प्रोटेक्शन के लिए होता है डायोड। तो उस पर हम लोग सबसे पहले अपना वायर कनेक्ट करेंगे। इसमें रेड एंड प्लस एंड माइनस कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, आप किसी में भी किसी को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वायर को ना आपको ध्यान से एकदम अच्छे से टाइट करना है, जिससे कि लूज़ ना हो, वरना आपकी सोल्डरिंग जो है हीट अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सोल्डरिंग कर दूंगा, जिससे कि ज़्यादा मजबूत हो जाए। आपके पास सोल्डरिंग ना हो तो आप ना मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सोल्डरिंग भी नहीं चलती है, क्योंकि हमारा हीटिंग एलिमेंट है तो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा काम हो गया है। अब एक मैंने छोटा सा पीस लिया है अपने पाइप के अनुसार से, और वहाँ पर मैं एक होल करूँगा बीच में। अब फ्रेंड्स, इसका काम तो हो गया फ्रेंड्स, अब हम लोगों को पाइप के अंदर से इसे पास कर देना है वायर को। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसे हम लोगों को यहाँ से पास कर देना है, और यहाँ पर हमें अपने हम हीटिंग एलिमेंट को फटाफट से चिपका लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर स्क्रू सिस्टम था, बट जो पाइप है वो थोड़ी पतली है, जिस कारण से हम इसमें स्क्रू नहीं लगा सकते, तो मैं इसे फेविक्विक से जो है चिपका दूंगा। मैंने इसे फेविक्विक से अच्छे से चिपका दिया है, और बहुत ज़्यादा मजबूती से आप लोगों को चिपकाना है जब आप सोल्डरिंग करें, तो ये जो है टूटे ना, वरना ये टूट जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक छोटा सा गाठ लगा दे रहा हूँ, जिससे कि हमारा वायर जो है अंदर की ओर से खुले ना। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गाठ लगा दिया है, और जो हमने गोलाकार पीस लिया था छोटा सा, उसे हम लोग इस तरीके से वायर को पास कर देंगे और इसे भी फेविक्विक से चिपका देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम लोग अपना प्लग टाइट करेंगे, जो हमने प्लग लिया था, और हमारी सोल्डरिंग आयरन बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मात्र आप इसे 30 रुपये में घर पर बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको वीडियोस की मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस की क्वालिटी कैसे लगती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करना, मुझे भी इस समय पता चल जाएगा कि क्या मैं क्वालिटी अच्छी बनाता हूं या नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर हमारा सोल्डरिंग आयरन जो है अब रेडी हो गया है बनके। अब इसे कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, चलते हैं इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बातों का ध्यान देना है कि जब आप सोल्डरिंग आयरन को टेस्ट करने जाओगे फर्स्ट बार, तो आपको जो है इसके टिप को नहीं टच करना है, वरना आपको करंट भी लग सकता है। हो सकता है आप वायरिंग अच्छे से ना करे हो, इस कारण से आपको करंट भी लग सकता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक और सोल्डरिंग आयरन बनाई थी, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। ये भी मैंने इसी तरीके की सोल्डरिंग आयरन बनाई थी, पर वो जो था अब थोड़ा पुराना हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि न्यू तरीके से आप लोगों को बनाकर दिखाया जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बोर्ड लिया है और उसे मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने सोल्डरिंग आयरन से। अब देखते हैं फ्रेंड्स, कितने देर में ये गर्म हो जाता है और कैसा वर्क करता है। तो चलिए इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, अब आता है इसका टेस्टिंग टाइम, और है ये जो है अच्छे से एकदम हीट हो गया है अपने टेम्परेचर पर। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को सोल्डरिंग वायर भी यहाँ पर गलाकर दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये धुआं निकल रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस पर फ्लक्स लगाया है, जिस कारण से ये धुआं निकल रहा है। आप मत समझिएगा हमारा कॉइल जो है वो जल रहा है, ये जो है सिंपल से जो धुआं निकलता ही है सोल्डरिंग करने वक्त। तो चलिए मैं आपको इससे कुछ डिसोल्ड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक सर्किट लिया, उसके ऊपर से मैं वायर को देखिए डिसोल्ड कर दिया अच्छे से, और इसके ऊपर मैंने सोल्डरिंग भी कर दी फ्रेंड्स। और ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, 100% अच्छा तरीका है। आप भी इस तरीके से जो घर पे बना सकते हैं और सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे रीसेल भी कर सकते हैं मार्केट में। आपको इजीली 70-80 रुपये में जो है मार्केट में आप इसे बेच भी सकते हैं। तो ये मात्र आपको घर पे 30 रुपये से 35 रुपये में बन जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोल्डरिंग आयरन मार्केट से बनेगा।
तो देख सकते हैं फ्रेंड कुछ इस तरीके का था। आपको कैसा लगा इसका डिजाइन और लुक कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपने मेरे पूरी वीडियो देख ली, आपने सीख ली कैसे सोल्डिंग आयरन बनाया जाता है मात्र 30 रुपए में। तो फ्रेंड्स आप इस सोल्डिंग आयरन को ना बनाकर बेच भी सकते हैं कहीं मार्केट में लोकल जगह पर, जब आप इसे बेच भी सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा सोल्डिंग आयरन बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आप जरूर कमेंट में इसका रेटिंग करिएगा 10 out of 10, आप कितना जान देना चाहेंगे इस सोल्डिंग आयरन को। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाता रहूंगा, ऐसे ही फुल सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा यूट्यूब के ऊपर।